बिसमिल्ल अस्सलाम रही स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए क्लास टेंथ बायोलॉजी चैप्टर नंबर टू के एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करूंगी तमाम स्टूडेंट्स पेज नंबर थर्टी एट ओपन कर लें चैप्टर नंबर टू होम्योस्टेसिस आज हम उसके एम सॉल्व करने जा रहे हैं एम नंबर वन द इंटरनल कंडीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एज यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल कंडीशन है वो क्या कहला रही होती है हमारे पास इंटरनल इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रही होती है नंबर टू आ सेट ऑफ मेटाबॉलिज्म रिएक्शन विच मेंटेन इंटरनल इन्वायरमेंट यानी कि मेटाबॉलिज्म का जो सेट होता है यानी कि मेटाबॉलिज्म क्या है मेटाबॉलिज्म जो हमारे पास इंटरनल जो भी सिस्टम चल रहा है ठीक है जो भी सिस्टम चल रहा है मेटाबॉलिज्म की टू टाइप्स होती हैं एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म यानी कि सिंथेसिस भी हो रही होती है और उसके बाद ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो रहे होते हैं बॉडी में यानी कि एक सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म यानी कि उन तमाम सिस्टम की जो कलेक्शन होती है वो हमारे पास बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट बना रही होती हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं होम्यो नंबर थ्री रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर इज गडेशन यहाँ पर अगर लिखा हुआ कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर इन दी फॉर्म ऑफ अ वाटर वेपर्स तो फिर हमारे हम पास ट्रांसफाइड होता ठीक है लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स्ट्रा लिक्विड वाटर तो वो गडेशन फोर प्लांट ग्रो नियर कोस्टल एरियाज कॉल्ड हेलोफाइट्स यानी कि साहिली इलाकों के करीब जो प्लांट्स उगते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं हेलोफाइट्स कहते हैं नंबर फाइव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी विच इज कंसीडर्ड ऑन द लार्जेस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन क्या है लिवर है नंबर सिक्स द मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर सूटेबल लिमिट यानी कि बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है तो ये किसकी डेफिनेशन है थर्मो रेगुलेशन रेगुलेशन का मतलब रेगुलेट एंड थर्म मीन हीट होता है तो इट्स मीन कि टेम्परेचर बॉडी का जो मेंटेन हो रहा होता है बॉडी में तो वो कौन सा सिस्टम है वो थर्मो रेगुलेशन है होम्योस्टेसिस की टाइप है नंबर सेवन द किडनी इज़ इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेन कॉल यानी किडनी के ऊपर एक छोटी सी मेम्ब्रेन होती है यानी कि बहुत ही पतली सी उसे क्या कह रहे होते हैं पेरिटोनियम मेम्ब्रेन यहाँ पर और भी मेम्ब्रेन्स के नाम दिए हुए जैसे कि प्लूरल मेम्ब्रेन ये हमारे पास लंग्स के ऊपर होती है पेरिकार्डियम जो है वो हार्ट के ऊपर होती है ठीक है नंबर एट द नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट इन द लेयर ऑफ स्किन स्किन के ऊपर जो कैपलरीज़ uh, है ब्लड कैपिलरीज मौजूद होती हैं वो एपिडर्मिस कहलाती हैं नंबर नाइन द सिलेक्टिव री ऑब्जॉर्प्शन इन नेफ्रॉन टेक प्लेस एट यानी कि सिलेक्टिव री ऑब्जॉर््पन नेफरॉन की कहाँ पर होती है लूप ऑफ हैलले में हो रही होती है ये लूप ऑफ हैलले कहाँ पर मौजूद होता है नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर है ठीक है और नेफ्रॉन्स कहाँ पर मौजूद होते हैं किडनी में मौजूद होते हैं हॉर्मोन ए डी एच रिलीज फ्रॉम पिचुएट्री ग्लैंड ए डी एच स्टैंड एंटी डॉयरटिक हॉर्मोन्स और ये हॉर्मोन जो है हमारे पास री एब्जॉर्प्शन री एब्जॉर्न जो बॉडी में हो रही होती है के में, वो भी ये जो हॉर्मोन है करवाने में हेल्प आउट करता है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो फॉर वॉचिंग माई न्यू वीडियो जो है टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई ईच वीडियो एंड थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़ बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ दोबारा आपके साथ हाजिर होंगी एंड अल्लाह हाफिज